वेरी गुड स्पेस, और आप वर्ल्ड आप एशिया कप जीतते हुए पैंटी लगाते हुए आप पहुंचे हैं, बट पाकिस्तान इज लॉट टू थिंक अबाउट। बोर्ड पे जाएंगे, पाकिस्तान हारे जीते दैट इज फाइन विद मी यार, बिकॉज यार ये बच्चे हैं, मैं आपको खुली बात करूं यार, ये बेचारे मासूम बच्चे हैं सारे, ये वो लड़के नहीं है, ये वसीम अकरम, ये वकार यूनस नहीं है, ये मेरे टाइप के लोग नहीं है, ये मासूम बच्चे हैं बेचारे यार, इनके ऊपर इतना ही प्रेशर डालूंगा जितना यार ये सह सकते हैं। अब भी हसन अली मेरे साथ इंटरव्यू कर रहा था एक प्रोग्राम के लिए, तो मैं भी उससे पूछ रहा था, हसन कहता भाईजान यार बैक करना यार, हम यार हम घबरा जाते हैं, हमें हमारी इतनी हमारे हमारे इतने अंदर वो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, दो दो तीन तीन सौ वनडे खेले हुए हैं, आप जैसे लोग नहीं है, बिल्कुल डांटे डटे और सख्त दिमाग वाले, अकेले ही लड़ रहे हैं पूरे 1 लाख क्राउड से, तो हम बैक करेंगे यार इनको, हम जैसे भी होंगे बैक करेंगे। और ये नहीं, जो तस्वीरें आपने मुझे दिखा रही थी तिरंगे की और डांस करते हुए, ये थॉर्डली आप डिजर्व करते हैं, एंजॉय दिस। थैंक यू शोएब भाई। शोएब भाई, लेकिन एक सवाल है कि इस पूरे जी जी टूर्नामेंट में बाबर आजम की कैप्टेंसी की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, जी ऐसे एट द सेम टाइम रोहित शर्मा के ऊपर जो सवाल थे, जो सवालिया निशान थे, उठ रहे थे। उनपे काफी ज्यादा मतलब ये आंसर्स मिल गए उन सवालों के, तो क्या बाबर आजम को एज अ कैप्टन रोहित शर्मा से कुछ सीखना चाहिए? देखिए, सीख तो आप किसी से भी सकते हैं, आपको भी मुझसे सीखना चाहिए, जिस तरह आप इतने मोटे बैठे हुए हैं, इतने बने हुए हैं, आपको पतला होना चाहिए मेरे तरह, आप क्यों नहीं सीख रहे? दूसरी बात ये बात आपकी ठीक है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन गुमा हुआ कैप्टन, पिछले 1.5-2 साल से गुमा हुआ कैप्टन, वो आज मिल गया है आपको, वो मिल गया है, उसकी चेंजेस देखिए, उसकी मैनेजमेंट देखिए, आपकी मैनेजमेंट और कप्तान की मैनेजमेंट देखें कि उनके कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हो गए हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि आप जीत गए हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कुलदीप को ले आए हो, कुलदीप को लाने का मतलब यह था कि आपका कोई दिमाग काम कर रहा है ना, आपकी सोचें काम कर रही है ना, जी। तो आप ले आए, ठीक है, वो कुलदीप का तो काश भी कह रहा था, चहल का काश काश भी कह रहा था, तो देखे ये बड़ी सिंपल चीजें हैं जो आप समझना चाहते हो, समझ गए थे, ये समझ के उन्होंने चीजें पूरी कर ली। बाबर कैप्टेंसी, इट इज आई थिंक इट इज अ वेरी फार, अब थोड़ा सा मैं सख्त इसलिए बोलूंगा, मुझे उनकी ग्रेशन में कमी नजर आती है, उनकी बॉलिंग चेंजेस में कमी नजर आती है, वो इतने शायद अभी भी मच्योर नहीं हुए एज अ कैप्टन, और बहुत बैकलैश आ रहा है उनकी कैप्टनशिप पे। अगर वो ये वर्ल्ड कप में अगर अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब ना रहे, तो मैं आपको बता सकता हूँ शादाब या शाहीन में से वो आने वाला वनडे में कैप्टन हो सकता हूँ किसी का, बट आई रियली होप कि वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप जीते कप्तान रहे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत सारा मजमुआ चाहिए होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, अग्रेशन, स्मार्टनेस, बॉलर का चेंज करना, वो अपनी फील्ड चेंज करना, बैट्समैन को चेंज करना, कॉम्बिनेशन को चेंज करना, एकदम स्प्लिट सेकंड में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, बट बाबर इज हैविंग दैट और लैकिंग दैट, वी हैव टू सी दैट इन द वर्ल्ड कप, इफ ही परफॉर्म्स गुड लक टू हिम यार, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, हमारा बच्चा है यार, छोटा है, हमसे बहुत जूनियर है, हम क्रिटिसाइज करते हुए अच्छे भी नहीं लगते, सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आप भी यही चाह रहे हो एज ए इंडियन ब्रॉडकास्टर के पाकिस्तान से भी क्वालिफाई करो, सच बोलो प्रोग्राम के ऊपर, नहीं नहीं हम तो चाहते थे शोएब भाई फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान का, हम तो फाइनल में भी चाहते थे कि फाइनल में भी आए और हम फेटी लगाए, पर शोएब भाई एक आप ऐसे एक छोटी सी बात, एक शोएब भाई का मीम बड़ा वायरल हो रहा है भाई, वो बता देता हूं, अच्छा शोएब भाई आपका मीम बहुत वायरल हो रहा है, वो है कि ये खाला जी का घर नहीं है जहां इंडिया आकर आराम से जीत जाएगा, आपने शायद लेकिन लेकिन शोएब भाई आज तो खाला जी का ही घर निकला, 21 ओवर में 100 ओवर का मैच खत्म कर दिया, आज तो आप लोगों ने सबको मामू बनाया यार, खाला जी का मामू बना दिया सबको आपने, तो यार ये हाँ यार आपने हमारे साथ बड़ा फ्रॉड किया यार, आपने हमें दिखाया कुछ और, शुरू के टूर्नामेंट में आखिर में खेले कुछ और, तो ये सारी सारी आपकी साजिश थी, ये मैं पूरा खुलासा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर, ये आप लोगों ने हमें धोखा दिया है कि आपके कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपकी टीम ठीक नहीं, लेकिन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम, और खाली देखिए ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, मैसेज पूरी दुनिया के लिए, इंडिया इज बैक, इंडिया इज बैक विद अ बैंग इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम हियर टू यू नो सिंगल हैंडेडली रूथलेसली relentlessly we're gonna beat you gonna beat you down till that you till the time that you give it up during the game ke ab hum aapko chhodenge nahi to england australia baaki sare ye dekh rahe hain ki ye india ne jis tarah panty lagayi hai baaki teamon ko to ye sirf hamare liye dangerous sign nahi hai as a pakistan ye baaki duniya ke liye bada dangerous sign hai ki india at home with this combination with this confidence
यही मैं इनको बता रहा था, कह रहे नहीं आज इंडिया जीत रहा है, गले में इधर फंसी रही गले में। नहीं शोएब भाई, आप मिस कर रहे हो लगता है। हां शोएब भाई, आप इसीलिए ऐसे कह रहे हो, आप मिस कर रहे हो। आप इधर होते आपको भी खिलाते, हम आपको मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप वो जो पूड़ी कचौड़ी है वो भी आपको मिस कर रही है यहां। I know. मैंने अभी थोड़ी बिरयानी चखी है यार, बड़े मुंह करके ना या मैं नहीं खाता, लेकिन इतना मजा आया ना आलू कराची की बिरयानी होती बड़ी अच्छी है, मैंने खा ली थोड़ी बहुत खा ली। लेकिन यार इस उम्र में यार अल्लाह की कसम आप एक्स्ट्रा क्या खा क्या देख भी नहीं सकते, तो मैं फिर को अंधा हो जाता हूँ खाने के मामले में, आप अंधा हो जाता हूँ कि मेरे साथ कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो जो टेस्ट बड्स है ना उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से यार पेट ने बंद काम किया हुआ है, तो इसको अब दोबारा बढ़ा सकते, बट आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग माय एज, सो आई एम डूइंग दैट बाय द वे। मेरे लुक से नजर आ रहा है आपको, रिवर्सिंग माय एज बिल्कुल अंदाजा आ रहा है शोएब भाई। पर आकाश भाई आपसे जानेंगे कि आज जो एशिया कप में जिस तरीके से टीम इंडिया ने खिलाई, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया जिस कॉम्बिनेशन के साथ, शोएब भाई ने तो कह दिया आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, लेकिन ये जो ये क्या वाकई में एक फ्रॉड था या फिर ये वाकई में टीम इंडिया लकी रही कि जिस भी प्लेइंग 11 को खिलाया गया वो क्लिक कर गई, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी सेटल्ड प्लेइंग 11 सी है। लक तो नहीं है यार, लक इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब आए थे तो वैलिड क्वेश्चन थे यार। अब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का वैलिड क्वेश्चन था कि भाई फिटनेस आएगी, फॉर्म आएगी या नहीं आएगी। आई मीन हाउ डू यू नो, क्वालिटी क्रिकेटर हैं, बहुत पेडिग्री है, बट खेलना तो पड़ेगा मैदान में जाके, और आपने 6-6 महीने से क्रिकेट नहीं खेली है, उसके बाद